हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आलोक एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 13 ऑफ योर हिस्ट्री सेक्शन द दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत पीरियड था वो हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये 1206 टू 1526 के बीच रहा। दिल्ली एक इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन था पृथ्वीराज चौहान के टाइम, लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया तो जो दिल्ली थी वो तुर्किश रूल के अंडर में आ गई और वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। अब जो दिल्ली सल्तनत है उसे स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते थे, जो कि ऐबक ने फाउंड की थी, और खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदीस भी थे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। स्लेव एंड ममलुक डायनेस्टी में जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। ये 1206 टू 1210 एडी के बीच में इसने राज किया दिल्ली पे। ये मोहम्मद गौरी का एक दास था, गुलाम था, स्लेव मीन्स गुलाम होता है। अब मोहम्मद गौरी ने इसे दिल्ली और अजमेर का वायसराय बनाया था, और जब उसके मास्टर की डेथ हुई मोहम्मद गौरी के 1206 में, तो इसने अपनी पावर जो है वो धीरे धीरे बढ़ाता गया। मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू मीन्स शादी वगैरह से संबंध स्थापित किए इसने। ये बहुत ही ब्रेव था, एनर्जेटिक था और कैपेबल मिलिट्री जनरल था। इसको मैन ऑफ लेटर्स ही बोला जाता था। दो स्कॉलर भी थे इसकी कोर्ट में, जैसे हसन निज़ामी और फकरे मुदीर करके। इसने दो मस्जिदें बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि दिल्ली और अजमेर में है। इसने कुतुब मीनार का फाउंडेशन स्टार्ट करवाया 1210 में, लेकिन वो कंप्लीट ना हो सका। और जब ये चौगन खेल रहा था, हॉर्स पोलो को चौगन बोला जाता है, तो ये हॉर्स से गिर पड़ा और इसकी डेथ हो गई। सेकंड है इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। जब ऐबक की डेथ हुई तो उनके सन से, जो उनके सन थे, उनके बेटे थे, उनको डिफीट करके इसने जो थ्रोन था वो ले लिया। ये एक स्ट्रॉन्ग रूरल था और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनसे इफिशेंटली डील करता था उन्हें। इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है। जितने भी अंदर के विद्रोह थे, इंटरनल रेफेलियन थे, इसको इसने दबा दिया, फिर ईस्ट की तरफ बढ़ा और बंगाल को जीत लिया, बंगाल को ऑक्यूपाइड कर लिया। इसने सिंधु को भी ऑक्यूपाइड किया और साथ में बॉर्डर को सिक्योर्ड भी किया, जिससे मंगोलों के हमलों से बचा जा सके। इसकी मंगोल से लड़ाई भी हुई। मंगोल जो थे वो चंगेज खान लीड कर रहा था। इसके रूल के टाइम इसने कई लड़ाइयाँ जीती, जैसे रणथंभौर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, बिहार। अब जो इल्तुतमिश की जो गवर्नमेंट थी उसमें सेवरल रिफॉर्म्स आए। इसने एक चालीसा ऑर्गेनाइज्ड की, जो कि एक नोबल थी, जिसमें इसकी जो रूलिंग क्वालिटीज़ हैं उसको शो किया गया। उसने कॉइन भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे सिल्वर कॉइन जिसको टाका बोलते थे, और कॉपर कॉइन जिसको जीतल बोलते थे। अब इसके जो सल्तनत पीरियड था उसके टाइम में कॉइन्स जो थे वो यूज़ होना स्टार्ट हो गए थे, और इसने जो कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट की थी, उसको भी इसने पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा कराया और कुतुब मीनार को पूरा बनवाया। अब इल्तुतमिश के कई सारे बेटे थे, लेकिन वो किसी को भी सुल्तान बनने के लायक नहीं मानता था, तो उसने नॉमिनेट किया रज़िया को, जो इसकी बेटी थी, उसको नॉमिनेट किया कि रज़िया जो है वो नेक्स्ट सुल्तान बनेगी। अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान बहुत ज़्यादा समय तक रूल नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो वहाँ के रूरल, मतलब जो अदर लोग थे, वो एक वूमेन रूलर के ऑर्डर को नहीं मान सकते थे। उनके लिए मतलब वूमेन के थ्रू ऑर्डर रिसीव करना एक अपमान टाइप का लगता था। तो ज़्यादा देर तक इसका जो रूल था वो नहीं चला, और जल्दी ही इसकी डेथ के बाद कई छोटे मोटे रूलर आए, लेकिन वो कुछ खास इफेक्ट नहीं डाल पाए। 1266 में गयासुद्दीन बलवान ने दिल्ली का थ्रोन टुक ओवर किया। वो स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। अब ये जाना जाता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्ट्रेंथ थी वो काफ़ी बढ़ गई। आर्मी जो थी वो न्यू वेपन्स के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गई। इसकी जो नई पॉलिसी थी उसको बोला जाता था ब्लड एंड आयरन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इसने जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का फाउंडेशन वो काफ़ी अच्छे से किया था, और मोनार्की की जो प्रेस्टिज थी
और जो नोबल ओरिजिन था वो भी इसी के टाइम आया। इसने कई सारे जो रिबेलियन थे, कई सारे विद्रोह थे, वो दबा दिए, है ना। इसके बाद में क्या हुआ कि इसने जो वेस्ट और नॉर्थ की बाउंड्री थी उसमें नंबर ऑफ फोर्ट्स बनवाए, कई सारे किले बनवाए जिससे मंगोलों से बचा जा सके। लेकिन 1287 में इसकी डेथ हो गई और इसी के साथ जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका एंड हो गया। अब बलवान का जो ग्रैंडसन था उसका नाम था कायकुबाद। वो एक वीक रूरल था, तो इसकी वजह से जो जलालुद्दीन खिलजी, एक अनदर रूरल था, उसने उसे किल्ड किया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें दिल्ली पे रूल किया 1290 से 1296 तक। जलालुद्दीन को फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये एक ओल्ड मैन थे, 70 ईयर्स की इनकी एज थी। ये भी एक वीक रूलर थे और लीनियंट पॉलिसी अपना रहे थे मंगोल्स को लेके। अब काफ़ी ज़्यादा किंगडम में कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगा। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी, जो इनके नेफ्यू थे और सन इन लॉ थे, उसने थ्रोन इनसे कैप्चर कर लिया और जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर दिया। अब जो खिलजी डायनेस्टी का सेकंड रूलर आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक एबल कमांडर था, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था। उसने गुजरात, मालवा, रणथंबोर और चित्तौर के जो मतलब राज्य थे उनको जीता। इसके अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में जो राजपूत वूमेन थी उन्होंने चित्तौर में जौहर किया। अलाउद्दीन एक ग्रेट रिफॉर्मर था और सोशल रिफॉर्मर के लिए के नाम से फेमस था। उसने साउथ इंडिया का एक बड़ा एरिया जीत लिया उसका जो कमांडर था मलिक कफूर उसकी हेल्प से। ये मंगोल के जो अटैक थे उनको काउंटर करने में सक्सेसफुल रहा। अलाउद्दीन का जो एम्पायर था वो अशोका जितना ही बहुत बहुत बड़ा था। अलाउद्दीन की डेथ 1316 में हो गई। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब अलाउद्दीन जो था उसने सबसे पहले जो भी नोबल्स को रेंट फ्री लैंड दी गई थी, ज़मीनें दी गई थी, उनको जब्त कर लिया और उसे स्टेट लैंड में ऐड कर दिया। और जो उनके थ्रू रेंट आता था उसको, उस पर काफ़ी नज़र रखी। वो 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो उसका 1/3 उस जो लैंड थी उसका रेंट देना पड़ता था किसानों को। उसने जो वेल्दियर पीपल थे दोआब के पास, मतलब कि गंगा और यमुना के बीच के जो पीजेंट थे, उनके लिए टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दिया क्योंकि वो काफ़ी वेल्दियर थे, उनके पास काफ़ी पैसा था। अब जो लैंड रेवेन्यू थी वो कैश और काइंड, मतलब दोनों में पे कर सकते थे। वो इसके अगेंस्ट था कि किसानों पे एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाए, एक्स्ट्रा रेवेन्यू किसानों से वो नहीं लेता था। नाउ मार्केट कंट्रोल। सोल्जर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उसने सारी कमोडिटीज़, चाहे मतलब सुई से लेके हाथी तक कुछ भी हो, सारी कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स कर दिए। और अगर कोई दुकानदार हाई प्राइस पे या लोगों को चीट करने के लिए चीज मतलब वेट में या फिर उसके मीज़र्स में धोखाधड़ी करता था तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था। उसने 3 मार्केट सेटअप किए, एक था फूड ग्रेन के लिए, दूसरा था क्लॉथ्स के लिए, तीसरा था हॉर्स कैटल और स्लेव्स के लिए। उसने ऑफिसर अपॉइंट किए ईच मार्केट में। उसे शहना बोला जाता था उस ऑफिसर को, जिसकी ड्यूटी होती थी कि सारे जो गुड्स हैं उनकी प्राइस को कंट्रोल रखें। नाउ वी सी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने अपनी स्टैंडिंग आर्मी को वेल इक्विप्ड किया। उसने जो आर्मी को डेवलप करने का काम किया वो तुर्किश मॉडल से लिया उसने। वो सोल्जर्स को कैश में पेड करता था और उनको अच्छी नस्ल के हॉर्सेस देता था, घोड़े देता था। उसने हॉर्स जो हॉर्सेस थे उनको ब्रांडेड किया जिससे सब्स्टिट्यूशन जो है वॉर के टाइम पे वो ना हो, इसे दाग बोला जाता था। और साथ में उसने हर एक सोल्जर को एक डिस्क्रिप्शन दिया जिसमें सब्स्टिट्यूशन से बचा जा सके, इसे चेहरा बोला जाता था। उसने अपनी जो आर्मी थी उनको एफिशिएंट करने के लिए उनका डिस्क्रिप्टिव रोल दिया, मतलब कि हर एक को एक पहचान दी, उसे हुलिया बोला जाता था। ये एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह था। उसने एक स्पाई सिस्टम भी रखा, एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, और उसने कई सारे किले भी बनवाए और पुराने किले जो थे उनको रिपेयर्ड करवाया,
उसने दिल्ली में सिरी फोर्ट बनवाया, जो कि मंगोल के अटैक से बचने के लिए बनवाया था उसने। बाद में सिरी फोर्ट को ही उसने अपनी कैपिटल बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया। उसमें एक लार्ज वाटर रिजर्वायर भी था, जिसे हौज खास बोला गया। अब जो थर्ड और लास्ट रूलर था खिलजी सल्तनत का, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अपने टाइम पे जितने भी टैक्सेस थे, जितने भी पेनल्टीज थी, सबको ख़त्म कर दिया। वॉर में जितने भी प्रिजनर्स को, मतलब उनने कैद किया था, जितने भी लोगों को कैद किया था, उन सबको छोड़ दिया। खुसरो खान, जो उसका खुद का दास था या गुलाम था, उसने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी और खिलजी डायनेस्टी का यहाँ से एंड हुआ। नाउ तुगलक डायनेस्टी। काजी मलिक, जो पंजाब का गवर्नर था, इसने दिल्ली सल्तनत का ताज ले लिया और अपने आप को टाइटल दिया ग्यासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। इसने जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, खुसरो खान को हरा दिया। इसने जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट में कई रिफॉर्म किए। लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया। इसने पब्लिक यूटिलिटी को लेके कई सारे काम करवाए, कैनल्स बनवाई, गार्डन्स बनवाए, फोर्ट्स बनवाए और लोगों की सुरक्षा के लिए। इसने कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए, जैसे तुगलकाबाद दिल्ली के पास में एक नई सिटी बनवाई। इसकी हत्या हो गई 1325 में। ये काफ़ी खुफिया रही, कोई पता नहीं कर पाया कि किसने की। इसकी डेथ के बाद इसका जो सन था जौना खान, वो तुगलक वंश का दूसरा रूलर बना। इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता। नाउ तुगलक डायनेस्टी। काजी मलिक, जो पंजाब का गवर्नर था, इसने दिल्ली सल्तनत का ताज ले लिया और अपने आप को टाइटल दिया ग्यासुद्दीन तुगलक। इसी ने तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। इसने जो ग्यासुद्दीन तुगलक था, खुसरो खान को हरा दिया। इसने जुडिशरी और पुलिस डिपार्टमेंट में कई रिफॉर्म किए। लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस कर दिया, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस कर दिया। इसने पब्लिक यूटिलिटी को लेके कई सारे काम करवाए, कैनल्स बनवाई, गार्डन्स बनवाए, फोर्ट्स बनवाए और लोगों की सुरक्षा के लिए। इसने कई सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए, जैसे तुगलकाबाद दिल्ली के पास में एक नई सिटी बनवाई। इसकी हत्या हो गई 1325 में। ये काफ़ी खुफिया रही, कोई पता नहीं कर पाया कि किसने की। इसकी डेथ के बाद इसका जो सन था जौना खान, वो तुगलक वंश का दूसरा रूलर बना। इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी बोला जाता। दूसरा इसका आइडिया था कि इसको जो कैपिटल थी वो दिल्ली से डेक्कन के देवागिरी से शिफ्ट करनी थी, क्योंकि वो उसे लगता था कि वहाँ से वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। तो इसने ऑर्डर दे दिया कि जो कैपिटल है वो दिल्ली से न्यू कैपिटल देवागिरी पर शिफ्ट होगी। उसकी वजह से देवागिरी का इसने नाम भी चेंज कर दिया दौलताबाद, और उसने ऑर्डर दिया कि यहाँ के जो दिल्ली के लोग हैं वो भी दौलताबाद शिफ्ट होंगे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ी, काफ़ी सारी मुश्किलें आई। तो उसने फिर क्या किया कि वापस दौलताबाद से दिल्ली की तरफ शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। इससे लोगों में जो था वो काफ़ी गुस्सा बढ़ गया। अब जो दूसरे किंगडम थे, उन्होंने भी देखा कि ये सुल्तान की वीकनेस है। तो डेक्कन में बहमनी किंगडम है वो आ गई पावर में, और जो साउथ इंडिया था वहाँ पे विजयनगर जो किंगडम है वो पावर में आ गई, और इनको वहाँ से हटा दिया गया। इसका एक दूसरा और आइडिया था कि इसने टोकन करेंसी स्टार्ट की। इसमें जो सिल्वर की शॉर्टेज थी उसको लेके इसने जो टोकन करेंसी वाला प्लान एग्जीक्यूट किया। इसके पास ब्रास और कॉपर के जो मिंटेड कॉइन्स थे उसकी शुरुआत की, और उनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर ही रखी। अब जो जिन लोगों को टैक्स पे करना था या फिर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करनी थी, उसके बदले में ये लोग वही टोकन करेंसी दे के पे कर देते थे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका खजाना था जो खाली होने लगा। इसका जिक्र ज़ियादुद्दीन बरानी, एक क्रॉनिकलर थे, उनने अपनी जो बुक है तारीख ई फिरोज शाही में लिखा है। तो उसकी वजह से बाद में इसको ये डिसीज़न भी वापस लेना पड़ा। बाद में इसका एक आइडिया था कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक अपना जो रूल है
अपना जो एम्पायर है उसको फैलाया जाए, और उसने एडवांस में सोल्जर्स को सैलरी भी दे दी। लेकिन बाद में जो सोल्जर्स थे वो डिसबैंडेड हो गए, जिसके तो इसके जो जितने भी आइडियाज़ थे वो इम्प्रैक्टिकल थे, जिसकी वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो काफ़ी अनपॉपुलर रहा। लास्ट था फिरोज़ शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कज़िन था। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई ऐसे लीगल हायर नहीं था जो उसके बाद गद्दी पर बैठे, तो इसकी वजह से फिरोज़ शाह तुगलक जो था उसके पास थ्रोन आ गया। ये बिल्कुल अलग ही मिलिट्री रूलर था, इसके पास मतलब ना करेज था ना कन्विक्शन था। ये बंगाल में एक्सपेडिशन जो था उसको करने में फेल्ड रहा। फिर जो डेक्कन का कॉन्क्योर था, मतलब डेक्कन की पे जो इनका राज था उसको मतलब जीतने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किए इसने, और जितनी भी इसकी मतलब चीज़ें थी वो अदर रिलीजन के थ्रू बढ़ने लगी, मतलब कि जो हिंदू सब्जेक्ट था उसको उठा के ये अपने आप को बचाने लगा। इसकी 1388 में डेथ हो गई, और तुगलक डायनेस्टी जो थी वो अनदर 26 ईयर तक तो चली, लेकिन कोई ऐसा सक्सेसर नहीं रहा जो काफ़ी पॉपुलर हो। फिरोज़ शाह तुगलक वाज अ वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर, उसने कई सारी कैनल, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स और रेस्ट हाउसेस बनवाए, और उसने नए शहर जैसे हिसार, फिरोजपुर, चानूपुर, फिरोजाबाद भी उसने एस्टेब्लिश किए। उसने लोगों को मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई, उसने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी सेटअप करवाए। साथ में जो संस्कृत वर्क्स थे, संस्कृत लिटरेचर थी, उनको पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट करवाया। 1398 में तैमूर आया। तैमूर जो कि सेंट्रल एशिया के बल्क का रूलर था, उसने इंडिया पे आक्रमण किया और कई सारी सिटीज़ लूट लीं। उसके टाइम पे वो आतंक और भय का माहौल था। जो सुल्तान महमूद शाह थे वो दिल्ली के लास्ट सुल्तान थे, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो दिल्ली से भाग गए। बाद में वो समरकंद के रास्ते से लौट गया। उसने कई सारी जो सिटीज़ थी, कई सारे शहर थे, उनको तबाह कर दिया था, और अपने साथ में काफ़ी सारी वेल्थ ले गया था। जो स्किल्ड आर्टिशियंस थे, कलाकार थे, उनको भी अपने साथ ले गया समरकंद की जो मॉन्यूमेंट है उसका काम करवाने के लिए। जब वो उसने दिल्ली छोड़ी तो खिजर खान को मुल्तान, लाहौर और तिगालपुर का गवर्नर अपॉइंट करके गया। अब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी। खिजर खान ने दिल्ली ऑक्यूपाइड किया, उसके बाद सैयद डायनेस्टी की स्टार्टिंग की। ये 1414 से 1451 के बीच चली। उसके बाद उसके बेटा मुबारक शाह सैयद आया, फिर उसके बाद उसका नेफ्यू, मुबारक शाह का नेफ्यू मोहम्मद शाह सैयद आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर था आलम शाह। आलम शाह को बहलोल लोधी ने हरा दिया। फिर उसके बाद सैयद सल्तनत का एंड हो गया। उसके बाद स्टार्ट हुई लोधी डायनेस्टी। अब है लोधी डायनेस्टी, ये 1451 से 1526 के बीच चली। अभी तक जो रूलर थे वो थे तुर्किश ओरिजिन के, लेकिन लोधी जो थे वो अफगान से आए हुए थे। अब जो आलम शाह था उसने खुद से ही अपना जो थ्रोन था दिल्ली का वो बहलोल लोधी को दे दिया। बहलोल लोधी पंजाब का गवर्नर था। उसने लोधी डायनेस्टी की डायनेस्टी जो थी उसको फाउंड किया। उसके बाद उसने नोबल्स के साथ गुड रिलेशन रखा, और जो पीस एंड ऑर्डर था कंट्री में वो इस्टेब्लिश किया। 1488 में उसकी डेथ हो गई, और उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी उसने आगे रूल किया। सिकंदर लोधी 1489 में रूलर बना। वो एक ग्रेटेस्ट किंग था इस डायनेस्टी का। उसने जौनपुर, बिहार और बंगाल जो था उसको एनेक्स्ट किया। साथ में पब्लिक वेलफेयर के कई सारे काम स्टार्ट किए, जैसे कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया उसने, और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी उनकी प्राइस उसने लो कर दी, और उसने जो आगरा सिटी है उसको इस्टेब्लिश्ड किया और अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आया इब्राहिम लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था। उसकी मतलब स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, और अफगान नोबल के लिए लॉयल्टी भी ज़्यादा थी। दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम लोधी से जलता था, उसने बाबर को इनवाइट किया 1526 में, और बैटल ऑफ पानीपत हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया, और साथ में इब्राहिम लोधी की डेथ हो गई। यहीं से दिल्ली सल्तनत जो थी उसका एंड हुआ, और इंडिया में मुगल एम्पायर, एक नया एम्पायर स्टार्ट हुआ।